हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची के इलाके अजीजाबाद में नामालूम अफराद फिर मुतहरिक। पाकिस्तान मुखालिफ और बानी एमक्यूएम के हक में वॉल चौकिंग कर डाली। पुलिस को कई घंटे बाद होश आया। मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। लाल शहबाज कलंदर के वाकये के हवाले से, फरवरी 2017 में वहां पे जो खुदकश हमला हुआ था उसका जो मरकजी मुलजिम है नादिर उर्फ मुर्शिद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सानिया सेवन का मरकजी मुलजिम नादिर जखरानी कराची से गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। राजनपुर के रिहायशी नादिर जखरानी का ताल्लुक दाइश से है। खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान से लाया गया था। मजार के करीब रेस्ट हाउस में रिहायश इख्तियार की। तफ्तीश में इंकशाफ, नादिर जखरानी 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले। हैदराबाद में एमक्यूएम के सेक्टर मेंबर डॉक्टर नौशाद के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम शाहिद डांसर मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार। डॉक्टर नौशाद को गुज़िश्ता माह उनके घर के करीब कत्ल किया गया था। मुलजिम की शनाख्त सीसीटीवी फुटेज से हुई। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में नुमाया कमी हुई। वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर शाह का दावा। ये भी कहा कि कराची में 5,640 बसें हैं, शहर में 10,000 बसों की जरूरत है। दिसंबर तक नई बसें आ जाएंगी। खस्ता बसों को सब्सिडी के तहत चलने दिया जा रहा है। तुर्बत में 15 अफराद के कत्ल में मुलविस दहशतगर्द बुलेदा में एफसी से मुकाबले के दौरान मारा गया। आईएसपीआर की तस्दीक, मजीद 4 मकतूलीन की शनाख्त भी हो गई। अदालती हुकुम के बाद इस्लामाबाद की इंतजामिया हरकत में आ गई। आज रात 10 बजे तक फैजाबाद पर धरना खत्म ना हुआ तो ऑपरेशन होगा। वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल हर सूरत धरना खत्म कराने का हुक्म दे रखा है, मगर धरने वाले अब तक 10 से मस ना हुए। काफी देर पहले घर से निकलना पड़ता है और स्टक हो जाता है बंदा ट्रैफिक में। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस धरने की वजह से, जो आजकल फैजाबाद में जा रहा है। बड़े लोग परेशानी का बात बना हुआ ये धरना जो है ना, धरने की वजह से हमारा कारोबार बंद है, रास्ते बंद है, हर तरफ परेशानी है। ना घर टाइम से पहुंच सकते, ना कोई मजदूरी कर सकते। धरने के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी आज 10वें रोज भी मफलूज। आवाम मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। फैजाबाद में धरने वालों ने मोर्चा बना रखा है। हुकूमत कहीं नजर नहीं आती। हुकूमत सिर्फ जाति उम्रा तक महदूद है, एतजाज अहसन की तनकीद। सेनेट ने आईनी तरमीम 7B और 7C की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी। खत्म नबूवत का इकरार ना करने वाला गैर मुस्लिम शुमार होगा। हल्का बंदियों का मामला अरकान की मुकर्रा तादाद ना होने के बाद पीर तक मुलतवी। भारत का अंत पर फिर वार। LOC पर सिविलियन आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। खातून समेत 2 अफराद शहीद, 4 शहरी जख्मी। सिंध असेंबली में अरकान का खुशगवार मूड। स्पीकर की रऊफ सिद्दीकी से शेर सुनाने की फरमाइश। रऊफ सिद्दीकी ने शेर के बजाय पूरी गजल ही सुना दी। चला प्रकार हस्ती हुस्न से तो इश्क पर ठहरा, अजल से दास्ता उनकी अब तक दास्ता मेरी, और मजे पर किस्सा आया था कि नज़्म-ए-ज़िंदगी बिगड़ा।
इलेक्शन कमीशन में वोटर लिस्टों के कंप्यूटराइज्ड इदराज का काम तेजी से जारी, दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 7 दिसंबर को कौमी वोटर डे भरपूर तरीके से मनाया जाने का ऐलान। पार्टी ओहदा वापस लिया जाए, डॉक्टर आसिम की पार्टी क्यादत से दरखास्त, कहा कारकुन की हैसियत से काम करूंगा, कमर की सर्जरी के लिए बैरून मुल्क जाना चाहता हूं। मौलाना आजम तारिक कत्ल केस में मरकजी मुलजिम सप्तैन काजमी पर फर्दे जुर्म आयद, मुलजिम के खिलाफ 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड, मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। यक नशुद्ध दो शुद्ध, एक रिक्शे में गधे पर गधा लाद दिया गया, बेजबान जानवरों पर भी रहम नहीं खाया, कराची की मरकजी शाहरा पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जिम्बाब्वे के सदर रॉबर्ट मुगाबे 3 रोज बाद अवाम के सामने आ गए, यूनिवर्सिटी का दौरा किया, वो फौजी जर्नैलों पर वाजे कर चुके हैं कि वो मुस्ताफी नहीं होंगे। खित्ते में ईरान का असर रसूख रोकने के लिए इसराइल सरगरम, इसराइली आर्मी चीफ कहते हैं सऊदी अरब से मालूमात के तबादले पर तैयार हैं, लबनान में हिजबुल्ला पर हमले का कोई इरादा नहीं। मिस इराक और मिस इसराइल ने एक साथ सेल्फी बनाई, बाज लोगों को जरा पसंद ना आई, कड़ी तनकीद शुरू कर दी। हाजिर दिमागी काम आ गई, वियतनाम में भारी भरकम ट्रक के सामने गिरने वाले साइकिल सवार लड़के ने औसान बहाल रखे, फुर्ती से साइड पर हो गया, हादसे से बाल बाल बच गया। अस्सलाम वालेकुम, आज न्यूज में आपको कहेंगे खुशामदीद, 6 बजे की अहम खबरों के साथ मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं सादिया फौज। बुलेटिन का आगाज करेंगे शहर कायद से, जहां एक बार फिर नामालूम अफराद एक्शन में आ गए हैं। 90 के अतराफ में पाकिस्तान मुखालिफ चौकिंग की गई है, जबकि इलाके की दीवारों पर बानी MQM के हक में भी नारे दर्ज किए गए हैं। नामालूम अफराद के इस एक्शन के बाद पुलिस को भी होश आया और मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SSP सेंट्रल इरफान बलोच का कहना है की इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेजेस का जायजा लिया जा रहा है, के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। नामालूम अफराद एक बार फिर एक्शन में आए और वॉल चौकिंग की गई है। 90 के अतराफ पाकिस्तान मुखालिफ वॉल चौकिंग की गई है, जबकि इलाके की दीवारों पर बानी MQM के हक में भी नारे दर्ज किए गए हैं। नामालूम अफराद के इस एक्शन के बाद पुलिस को भी अब होश आ गया और इस मामले का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि SSP सेंट्रल इरफान बलोचे कहते हैं कि इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेजेस का जायजा लिया जा रहा है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें जारी हैं। कराची में एक बार फिर नामालूम अफराद एक्शन में आ गए। 90 के एतराफ में पाकिस्तान मुखालिफ चौकिंग कर डाली। नामालूम अफराद ने दीवारों पर बानी MQM के हक में और पाक सरजमीन पार्टी के खिलाफ नारे तहरीर किए। कराची की दीवारों पर मुल्क मुखालिफ चौकिंग के बाद पुलिस को भी होश आया और इस हरकत का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ अजीजाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। SSP सेंट्रल हैदराबाद में MQM के सेक्टर मेंबर डॉक्टर नौशाद के कत्ल में मुलविस, मरकजी मुलजिम शाहिद डांसर मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार। डॉक्टर नौशाद को गुज़िश्ता माह उनके घर के करीब कत्ल किया गया था, मुलजिम की शनाख्त CCTV फुटेज से हुई। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में नुमाया कमी हुई, वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर शाह का दावा, ये भी कहा कि कराची में 5,640 बसें हैं, शहर में 10,000 बसों की जरूरत है, दिसंबर तक नई बसें आ जाएंगी, खस्ता बसों को सब्सिडी के तहत चलने दिया जा रहा है। तुर्बत में 15 अफराद के कत्ल में मुलविस दहशतगर्द बुलेदा में FC से मुकाबले के दौरान मारा गया, ISPR की तस्दीक, मजीद 4 मकतूलीन की शनाख्त भी हो गई।